अरे पाजी डॉक्टर की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए देख लो। ओ कोई फर्क नहीं पैंदा, लव का सीजन और रोमांस का रीजन आ गया, हसीनाओं का चैन चुराने वरुण धवन आ गया। हर कोई चाहता है जिस लड़के से शादी करना, ले जाने अपनी दुल्हनिया, ये दूल्हा नंबर वन आ गया। And what about me, Mr. Sherry? You are having a good time. Come, Alia. आइए बैठते हैं, बातें करते हैं हमेशा की तरह, चलिए। आप सबको याद ही होगा इतनी हिट फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण और आलिया की पहली फिल्म थी वो, उसमें सिद्धार्थ जो हैं वो आलिया को लेकर चले जाते हैं। तो ये उसका बदला लेने के लिए तुमने दो बार दुल्हन बनाया आलिया को। करेक्ट, पहले हम्पी शर्मा की, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। जानबूझ के बदला लेने के लिए किया था, इनफैक्ट हम्पी शर्मा में जो दूसरा एक्टर था हमारे फिल्म में उसका भी नाम सिद्धार्थ था, जानबूझ के रखा था मैंने। अच्छा उसका असली नाम सिद्धार्थ है, बचपन में रखा था मैंने, बहुत पहले स्टूडेंट ऑफ द खत्म हुई तब से मैंने चुना था उसको। अच्छा इससे पहले हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई आलिया, अब तो तुम मतलब कपिल शर्मा की भी दुल्हनिया बन सकते। आई मीन मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है आलिया। अच्छा, प्रोड्यूसिंग ए मूवी। तो एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी इसके बारे में, क्योंकि हम इतनी बार यहाँ इस शो पे आए थे और आप काफी चेंज हो गए हो पहले से, यू नो फर्स्ट टाइम हम जब आए थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे, तब मैं फैट ऑफ द ईयर था। हाँ, अभी आप फिट ऑफ द ईयर हो। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ एक्चुअली, ये दोनों इतने छोटे छोटे हैं और इतनी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे है, मतलब तुम छोटी सी हो, आलिया बहुत छोटी है, छोटे छोटे, सिर्फ 19 साल की हैं। नहीं नहीं सर, कितने की? 24 साल की हो। मुझे कंफर्म करना था, मुझे आइडिया था कि 22 क्या 23, अभी तुम 24 साल की हैं और बहुत मेहनती हैं। एम को वरुण, दोनों इतने मेहनती हैं, आई मीन इसीलिए शायद ये यहाँ पे हैं आज, वरुण दो और आलिया भट्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन। इस फिल्म में ना वरुण भीड़ बन के आलिया के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कपिल शर्मा ही है। वैसे आलिया ये फिल्म में तो आप पे बड़ी लाइन मार रहे हैं। हाँ। ये ऑफ स्क्रीन भी आते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड आती है मिलने, एक्चुअली मुझे पता करना है, कुछ सेट पे आती थी लड़की मिलने इनसे कभी कोई के नहीं? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी वरुण? हाँ? तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? देखो गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, बट दुल्हनिया तो है मेरे पास, वो मेरे सामने बैठी है। वेरी नाइस स्मार्ट आंसर, फिल्म प्रमोट करो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। आलिया इस फिल्म में बड़ी मुंहफट लड़की का किरदार निभा रही हैं। आलिया रियल लाइफ में भी आप ऐसी हो? बिल्कुल मुंहफट, हट हट आलिया भट्ट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब शूट हो रही थी तो आलिया ने वरुण के मुंह पे स्क्रैच कर दिया था। हाँ? इस फिल्म में भी हमने सुना कि हाथ पे स्क्रैच कर दिया, रबिश। आपको क्या लगता है किया हाथ पे? नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाथ पे कब स्क्रैच किया इस फिल्म में? कब? ड्यूरिंग बद्री की दुल्हनिया सॉन्ग शूट। अरे वो कॉस्ट्यूम की वजह से हुआ था। तुम्हें क्या लगता है वो रिचार्ज कूपन है उसको स्क्रैच करा तो पैसे निकलेंगे? क्यों हमेशा ये बहुत अग्रेसिव हो जाती है, जब भी ये खाना कम खाती है, जब शूट कर, जब फिल्म का शूट हो रहा है तो ऑब्वियसली सबको ब्यूटीफुल लगना है, अच्छा लगना है, तो वो थोड़ा डाइटिंग होता है, तो आलिया थोड़ी मूड में नहीं थी मस्ती के लिए मजाक के लिए, तो वो हमेशा ऐसी रहती थी। तो डांस के वक्त अगर हम लोग साथ में खड़े भी रहे कभी, ऐसे सपोज आई एम आलिया से, ए खुद है, हाँ खुद है, हाँ, तो मेरे को हटा ही देती थी फ्रेम से। तुम एक्सक्यूज मी, आप लोगों को लगता है कि मैं इस इंसान को ये कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल नहीं लगता। कर सकती है सर, ये जो ऐसे ये ट्रू मेरा देखा है, ये फूल दिखती है, ये फूल दिखती है पर है नहीं। She is honest. काटा हो? काटा का पता नहीं, चाटा तो बहुत है। अच्छा इस फिल्म में बड़ा मेरा फेवरेट गाना है तम्मा तम्मा लोगे। अरे मैं बचपन में बड़ा नाचा है। लोगे आप? लोगे आप दोगे? Asking me. I mean okay. वाह आज शर्मा रही है तू।
शर्मा आप ही, मैं क्यों शर्माऊंगी? मैं तो आज अंदर केला खा रही थी। हाय बड़ी डाकू गब्बर, किसी तरह केले टांगे तूने? नहीं मैं आज भी केला खा रही थी, मैं उसके लिए छिपिस दे रही थी, क्योंकि क्या है मैंने लोगों से सुना है कि अगर भूखे के सामने कुछ खाओ ना तो नजर लग जाती है। मैं भूखा हूँ? हाँ लग रहे हैं। मुझे एक मिलेगा? हाँ हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स आपको। वैसे प्रणाम प्राणनाथ। प्राणनाथ नहीं बद्रीनाथ है उनका नाम। हाँ बद्रीनाथ मेरा नाम है। नहीं नहीं उसके आगे बंसल भी है, वो भी मुझे पता है, लेकिन क्या है कि इनका नाम मैं ले नहीं सकती ना। क्यों क्यों? इनका नाम कोई बुढ़ापा पेंशन है जो बूढ़े होने के बाद ले सकती हो? ओ अच्छा अच्छा हाँ ओ सॉरी, वो क्या है कि मेरा मैसेज पैक खत्म हो गया तो मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज आप सभी को इत्तला करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम दोनों की शादी हो गई है। हाँ मैं इनकी बीबी हूँ। अब बीबी नहीं होता, बीवी होता है। हाँ लेकिन मैं बीबी हूँ, आई एम बम्पर बंसल। ये बीवी नहीं है मेरी। एक केला दो इधर मुझे भी। हेलो शादी हो गई? एक केला दो। हाँ हाँ लीजिए ना लीजिए, शादी हो गई है हमारी। देखिए सिंपल, मैं बंदर हूँ ऐसे फेंकते केला? मेरी कोई शादी नहीं हुई इसके बाद। नहीं नहीं देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप में मेरा बहुत इंटरेस्ट है मुझे। जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मैंने डिसाइड कर लिया दैट ही इज द वन। ओ एक्चुअली ही इज द वन। कैसे मैंने बना दिया ना ऐसा वर्ड का, ऐसा मिक्स करके। मैं तो प्लान नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे आ जाते हैं और मैं वर्ड प्ले कर लेती हूँ। ये भी तो ईव टीजिंग ही हुआ ना ये जो कर रही है मेरे साथ अभी। बहुत ज्यादा मुक्के मारो पेट पे। नहीं मैम तोड़ो इसके केले, साइड पे मारो उसको जरा। केले पिचक जाएंगे ऐसे मत कीजिए। देखिए ना इतना वर्ड प्ले करती हूँ पर भी मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। बेवकूफ, वर्ड प्ले करने से नहीं, ग्राउंड में प्ले करने से कम होता है। वर्ड प्ले करने से वजन कैसे कम हो जाएगा तुम्हारा? एक्चुअली ये भी करेक्ट है, पर एनीवे जो भी है मैं बन चुकी हूँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया। बद्रीनाथ की दुल्हनिया? नहीं 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 बद्रीनाथ की दुल्हनिया हम है। हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ आप तो आलिया भट्ट है। हाँ मैंने देखा है आपको टीवी में, फिल्म में, मैंने कितनी, अरे मैंने आप डियर जिंदगी में देखा आपको, और उसमें मैंने देखा कि जिंदगी की बहुत सारी बातें हो रही थी उस फिल्म में, लेकिन पूरी पिक्चर में हिरन कहीं था ही नहीं। वेयर इज द डियर? बेवकूफ, डियर मतलब प्रिय है, प्यारा प्यारा प्यारा, डियर बद्री। ओ अच्छा लाइक दैट। मैं बचपन से ये सोचा करती थी कि लोग ऐसे ना बार बार लेटर क्यों लिखते रहते, माई डियर फ्रेंड। कभी किसी हाथी को लेटर लिख दो माई एलिफेंट फ्रेंड, नहीं खाली डियर को लिखते हैं। वैसे मैंने इनको अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन बेबी आप क्या कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए था ना। बेबी मुझे खुद अभी पता चला है मुझे। अरे मैंने वो आपको सगाई पे रिंग दी थी, आपने बताया? सगाई काय का रिंग? मेरे पास मेरे कुछ नहीं। नहीं मैंने आपको रिंग दी थी फोन पे। I gave you a ring. रिंग हाँ, और आपने फोन नहीं उठाया था, फिर हमारी बात हुई थी। तुमने हमें बेवकूफ समझा क्या? अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो बात कैसे हुई? हाँ। बेड पे लेटे हुए थे। अच्छा फोन पड़ा हुआ था, उठाया कॉल को एक्सेप्ट किया और इधर लाउड स्पीकर पे लगाया, हमारी बात हो गई। फोन पे बात करने के लिए फोन को ऐसे उठाना नहीं पड़ता है। ओके सॉरी भड़क क्यों रही है? और सोनी साहब ये किस आदमी को शो दे दिया है आपने? मोबाइल के जमाने में आदमी कहाँ पेजर की बातें करता रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। ओ गॉड अभी देखना थोड़ी देर बाद ये करेगी। हमारी बकायदा प्रॉपर शादी हुई है, हमारे साथ फेरे लिए हैं हमने। कौन सी दुकान से लिए हैं? ये कोई लहंगे की बात कर रहे हैं हम? कौन सी दुकान से लिए हैं? फेरे लिए, ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, गोल गोल घूमना पड़ता है, ऐसी शादी होती है गोल गोल घूम के। अच्छा तो तू ऑलरेडी इतनी गोल है, तू मत घूमना, चक्कर आएंगे तो गिर जाएगी, तेरा कुछ जाएगा नहीं, हमारा फ्लोर टूटेगा। देखिए अगर चक्कर आएगा ना तो मैं रख लूंगी, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। एक मिनट, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है, फोन आया मुझे। ओ गॉड ससुर जी का फोन है, डेविड जी का फोन आ रहा है। जी ने किधर फोन किया? लास्ट टाइम हम लोग मिले तो उठाया नहीं। हेलो हेलो हाँ ससुर जी प्रणाम। हाँ जी हाँ जी हाँ बताइए। नहीं नहीं बताइए ना नाश्ते में क्या बना दूँ आपके लिए। ओके एक अंडा नंबर वन, थोड़ा जूस नंबर वन, थोड़ा पोहा नंबर वन। हाँ हाँ तैयार हो जाएगा। ओ गॉड इतनी नंबर वन की बातें कर दी। एक्सक्यूज मी वेयर इज द लेडीज रूम हियर? इस शो में ओरिजिनल लेडीज होंगी तो लेडीज रूम बनवाऊंगा ना मैं। सुपर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.